हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम DLED 4 सेमेस्टर का मैथ पढ़ रहे हैं और इसकी हम 5 क्लासें कर चुके हैं। आज की एक क्लास हमारी 6ठी क्लास है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने वर्गमूल निकालने के बारे में पढ़ा था, उनकी विधियों के बारे में पढ़ा था। दो तरह की विधि होती है, एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है आपका डिवीजन मेथड, हिंदी में बोलते हैं हम गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक है। इसके बारे में जाना था। और आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस में कई दिन का गैप हो गया है, आपको बहुत दिन से क्लासेस नहीं मिल पाई थी। बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि सर क्लास प्रोवाइड कराइए, लेकिन हमारे सामने थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपको क्लासेस नहीं मिल पाई थी। लेकिन हमने आपसे बोला है कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे आपके एग्जाम से पहले, तो आप निश्चिंत होकर हम पे विश्वास कीजिए और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस भी कराएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपको सारा कंप्लीट कराया जाएगा सिलेबस, आपका साइंस का भी सिलेबस कंप्लीट होगा, इंग्लिश का भी सिलेबस आपका कंप्लीट होगा और मैथ का भी सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। और हाँ, चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। क्योंकि जितनी भी PDFs वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी ज़रूरी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्गमूल के आगे का क्वेश्चंस, किस 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 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक सेना नायक ने अपने अपने 3600 जवानों की टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा, जिससे प्रत्येक पंक्ति में जितनी पंक्तियां हैं तब प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है, एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं, तब प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बताइए। प्रत्येक पंक्ति में हमें जवानों की संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका वर्गमूल निकालेंगे। किसका, 3600 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 3600 का वर्गमूल क्या आता है। अगर हम 3600 को वर्गमूल निकालने की कोशिश करें, गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे करते हैं,
इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे किसी नंबर से, तो हमें पता सीधा सीधा ये नंबर जो डिवाइड होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार, ठीक है। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1800 को, तो कितनी बार जाएगा ये, 900 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा ये, 450 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 225, ठीक है। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 है लास्ट में, या तो 5 से डिवाइड होगा या किसी और नंबर से डिवाइड होगा। तो हम पहले सबसे पहले 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 सत्ते कितना होगा, 21, और 3 पंजे 15, 3 से डिवाइड हो गया ये, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, देखो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब 25 आया, 25 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, करेंगे 5 ही का ना, 5 पंजे 25 और 5 ही का ना 5, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए हमारे, ये हो गए। तो हम 3600 को क्या लिख सकते हैं, 3600 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। 3600 को हम ये लिख सकते हैं। अब हमसे बोला था प्रत्येक पंक्ति में जवानु संख्या, तो प्रत्येक पंक्ति में जवानु संख्या जो होगी वो इस संख्या का 3600 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो के पेयर बनाएंगे, दो का पेयर यहाँ बनेगा, 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 ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। वर्गमूल लेने के लिए एक पेयर से एक संख्या आती है उठ के, तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, गुणा यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। चलिए सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 4 या 12, 12 × 5 = 60, ठीक है। तो कितना आ गया, 60 हमारा क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में जो जवानों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 60 होगी। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर कितनी होगी, 60 आंसर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है और किस टाइप से बनेगा। इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 × 75 में गुणा करने पर गुणनफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमसे पूछा कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 × 75 में गुणा करने पर गुणनफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 × 75 के प्राइम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 60 × 75 के हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 60 × 75 में एज इज इस लिखेंगे, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे। देखो इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो सबसे पहले, ठीक है। 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 0 एज से जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो इसको, 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 × 6 = 18, 2 बचेगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, ठीक है। उसके बाद 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो, कितनी बार जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। फिर 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो, कितने, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 × 5 = 25, फिर 5 से डिवाइड करो, 1 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 60 × 75 के जो हमारे पास क्या आए, अभाज्य गुणनखंड आए, प्राइम फैक्टर जो आए वो क्या होंगे,
3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो के पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो दो यहाँ पे पांच के पेयर बनेगा, तीन का पेयर बनेगा और दो का पेयर बनेगा, ठीक है। वो सभी संख्या जिनका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि यहाँ पे तीन ये शेष बचा है, यदि इसका भी पेयर बन जाता तो जो संख्या आएगी हमारी वो क्या होती, पूर्ण वर्ग होती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तीन शेष बच गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है। इसका पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तीन से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तीन से गुणा करनी पड़ेगी तब जाके हमारे पास क्या आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी एक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वह छोटी संख्या क्या होगी हमारी, तीन होगी, ठीक है। यदि हम इसमें इसी नंबर में 60-75 में तीन की ओर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो संख्या आएगी हमारे पास वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो किस संख्या से गुणा करेंगे, हम तीन से गुणा करेंगे, तो वह छोटी संख्या क्या होगी हमारी, तीन होगी, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की बात करते हैं, इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ इसको। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं, समस्या फेस करते हैं, तो मैंने एक ग्रुप भी बनाया है, ठीक है, टेलीग्राम पे ही। उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप, जिसका नाम है टारगेट 120 प्लस इन यूपी टेट 2019, ठीक है। उससे आप जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा वहां पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आपको क्या करना, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे यहाँ पे संख्या बदल देता हूँ मैं, संख्या है हमारी 97-20, क्या है 97-20 में गुणा की जगह क्या करने, भाग करने पर गुणनफल नहीं, भागफल पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। ये हमें बताना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये आपका, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन कैसे कर, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 97-20 का प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 97-20 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 × 8 एक बचा, 2 × 8 = 16 एक बचा, 2 × 12 0, ठीक है। फिर 2 से करो, 2 × 2 = 4 2 × 8 2 × 3 = 6 0, फिर 2 से 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 ठीक है, 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10 ठीक है। फिर देखो कितने से करेंगे, 3 से करेंगे हम, 3 × 12 0 लगाएंगे, 3 × 5 = 15 फिर 3 से करेंगे हम तो कितना जाएगा, देखो 3 × 3 3 × 3 = 9 3 × 5 = 15 ठीक है। फिर 3 से करेंगे हम कितनी बार जाएगा, देखो 3 × 12 कितना बचा, 3 × 5 = 15 फिर 3 से करेंगे हम 3 × 3 3 × 5 = 15 फिर 3 से करेंगे 3 × 5 = 15 फिर किस से करेंगे, 5 से करेंगे 5 × 5 ठीक है। तो 97-20 के जो प्राइम फैक्टर होंगे, 97-20 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 2 × 2 × 2 उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं। तो दो दो के पेयर बनाने की कोशिश कीजिए, तो कोई यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा, यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा, यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 शेष बच रहा है, यहाँ पे 3 शेष बच रहा है, यहाँ पे 5 शेष बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम इस 5 से 3 से और 2 से इन सभी संख्या से जो शेष बच रही है भाग कर दें तो हमारी जो संख्या बचेगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि सबके पेयर बन जाएंगे बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी संख्या होगी। देखो 2 से भाग करनी पड़ेगी तो 2 लिखेंगे, फिर 3 से भाग करनी पड़ेगी तो 3 की गुणा कर देंगे 2 में, फिर 5 से भाग करनी पड़ेगी तो 5 की गुणा कर देंगे 2 में, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा, वही क्या होगा हमारा, वह छोटी संख्या होगी जिससे हम क्या करेंगे, 97-20 में भाग कर दें तो क्या होगा हमारा, पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, 3 × 2 = 6 × 5 = 30
तो 30 हमारी वो संख्या है छोटी से छोटी जिससे हम 97 बीस में भाग करेंगे, तब जो भागफल आएगा वो हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं आज की क्लास के। क्वेश्चन नंबर फोर क्या होगा, चलिए इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए कीजिए जिससे 194491, ठीक है, 194491 में से घटाने पर शेषफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, शेषफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आज की क्लास का। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जब भी हमसे गुणा और भाग करने की बात करेगा तब हम गुणनखंड विधि से उसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमसे जोड़ने और घटाने की बात करेगा कि क्या जोड़ने की संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटाएं की संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भाग विधि से उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तब उसका आंसर फाइंड करते हैं। किस तरीके से करते हैं चलिए जान लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, 194491 को एज इट इज लिखा। मैंने आपको भाग विधि में बताया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम दो दो के पेयर बनाते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो मैंने दो दो के पेयर बना दिए। ठीक है, 3 कंप्लीट पेयर बन गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले पेयर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं जिससे कि उसी संख्या में मल्टीप्लाई करके, या तो वही संख्या है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं या उससे कम रहे, अधिक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो किस संख्या से करें, देखो अगर हम 5 से डिवाइड करें इस संख्या को तो 5×5=25 होता है। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा 19 से, इसका मतलब क्या है कि हम इससे छोटी जो संख्या आनी चाहिए किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से ही करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 4×4=16। ठीक है, 19 से कम आएगा इसलिए हम क्या 5 से नहीं करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक, अब देखो 19 में से 16 को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। यहां से कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा। ठीक, यहां से हम नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे कितना आएगा, 4 4 344 हो गया। अब किस नंबर से करें हम, फिर हमारा क्या होगा, 4 से ही हम इसे करेंगे डिवाइड। यहां पे 4 लिखेंगे, फिर यहां पे 4 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 4×16 होता हमारा, 16×6 आएगा। ठीक, कैरी कितना आएगा, 1। 8×4 कितना होता, 32 और 1 33। ठीक है, तो कितना आ गया, 33 36 आ गया हमारा। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यहां पे बचेगा 8। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट पेयर क्या, 9×9 को हम उतार लेंगे। यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 4×4=8 और यहाँ कितना आ गया, 8। ठीक है, तो ऐसी संख्या से डिवाइड करना जिससे कि हमारा क्या जाए, या तो 8×9=1 आ जाए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो वो सिर्फ संख्या 1 है। ठीक है, यदि मैं 200 करूँगा तो 1600 के लगभग आएगा ये, जो कि 891 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 से ही डिवाइड करूँगा। 1 से यहाँ करूँगा, 1 से यहाँ लिखूँगा, प्लस का साइन लगाऊँगा। इसकी मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई हम 881 में करेंगे तो ये क्या आएगा, 881 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा, रिमाइंडर 10। ये रिमाइंडर हमारा 10 आ रहा है, ये क्या आ रहा, शेष आ रहा हमारा। शेष का मतलब है ये फालतू है, ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। यदि ये नंबर 891 न होकर 881 होता तो यहाँ पे भी 881 हो जाता, पूरा कट जाता, रिमाइंडर कितना था, 0। रिमाइंडर 0 आता, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर होता हमारा किसका होता, 441 का पूर्ण वर्ग होता। लेकिन यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर 10 से बचा है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम 194491 में से 10 माइनस कर दें, हमें संख्या क्या मिलेगी, 194481। ठीक है, जो कि क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। किसकी होगी, 441 की होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर शेष क्या हो, पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब वह छोटी संख्या क्या है हमारी, छोटी संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, इसलिए वह छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 10 आंसर। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज के क्लास के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
इसको मिटा देता हूँ मैं, इसी में कर देता हूँ, जिसे 30 64 52 30 64 52 में जोड़ दें। पहले हमने क्या करा, घटा दें, अब क्या है में जोड़ दें, जोड़ दें, तब प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 5 क्या है, क्वेश्चन हमारा 5 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे हम 30 64 52 में जोड़ दें, जिसे हम 30 64 65 में जोड़ दें, जिसे जोड़ दें तब प्राप्त संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, अब जोड़ने की बात कर रहा है कि किस संख्या को हम जोड़ें, कि इसमें किस संख्या को जोड़ें कि हमें क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो चलिए इसका हम वर्गमूल निकालने की बात करते हैं। मैंने आपसे बताया शुरू में, जब भी जोड़ने और घटाने की बात करेगा हम भाग विधि से करने की कोशिश करेंगे, उसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे भाग विधि से। क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, जितिस 30 64 52 जितिस लिखा, राइट साइड से हम क्या करते हैं इसके पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ हमने 3 पेयर बना लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, देखो यदि मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 36 आएगा, ज़्यादा हो जाएगा 30 से, इसका मतलब क्या, मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 ही बार जाएगा, 5×25। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेयर को उतार लेंगे, 64 मैंने उतार लिया, यहाँ पर कितना आएगा, 5×5 10 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, ये 5 बार ही जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, साइन प्लस का लगाएंगे, 5×25 का 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और प्लस के 2 जोड़ेंगे तो 25×25 एज इट इज आएगा, 5×5। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस करके 39 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 52 को उतार लेंगे, 39×52 आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा मेरा 110। ठीक है, अब 110 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें, देखो 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, देखो 3×3 9 0 एज इट इज आएगा, 3×3 3×3। यहाँ से माइनस करने की कोशिश करो, क्या बचेगा रिमाइंडर, देखो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ठीक है, यहाँ 4 बचेगा, 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 6, 643 हमारा रिमाइंडर आएगा, किसका, पॉजिटिव प्लस का। ठीक है, लेकिन इसी संख्या को हम इससे नेक्स्ट संख्या से डिवाइड करने की कोशिश करें, अभी तो ये कितनी बार डिवाइड हुआ था, 553 बार डिवाइड हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगर मैं 30 64 और 52 को फिर से डिवाइड करने की कोशिश करूं, दो दो के पेयर बना के, मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 5, 64 उतार लेंगे, उसके बाद 10 हो जाएगा ये। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा, ये कितना आएगा, 525 आएगा, कितना आएगा, 39 रिमाइंडर आएगा, 52 उतार लेंगे हम। ठीक है, फिर किससे करेंगे, हम 4 से करेंगे, यहाँ कितना होगा, 110 होगा, 4 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4×16 ऐसे जैसे आएगा, 4×4 4×4। अब 444 में से 39×52 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 464। और किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यह संख्या छोटी है, यह संख्या बड़ी है। ठीक है, अब हमारा क्या जो आया है, डिवाइड कर रहे हैं हम, ज़्यादा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब रिमाइंडर हमारे नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में हमारा 464 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे प्लस बच रहा था, इसका मतलब है कि यदि ये प्लस में है तो ये संख्या हम क्या करेंगे, घटाएंगे इस संख्या में से, तब हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, किसकी मिलेगी, 553 की। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव संख्या आई है, इसका मतलब क्या है कि यदि हम 464 को इस संख्या में जोड़ दें, 30 64 52 में, तब हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, किसकी मिलेगी, 500 554 की। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात, प्लस का मतलब है हम इस संख्या को माइनस करेंगे तब हमें 553 का पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। अगर हम ये माइनस का मतलब है इस संख्या को हम जोड़ेंगे इस संख्या में तब हमें 554 का क्या मिलेगा, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब क्या है कि यदि 30 64 52 में हम 464 को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या होगा, क्या आएगा हमारे पास, 6×6 5×11 हासिल लगा 1, 4×4 8×1 9। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 6×0 3। ठीक है, 30 69
16 जो होगी हमारी वो पूर्णवत संख्या होगी, किसकी होगी, 554 की होगी। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे हम इतने में जोड़ दें, प्राप्त संख्या क्या हो, पूर्णवत संख्या हो, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए वह छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 464 आंसर। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्णवत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे ये पूछा, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्णवत संख्या पूछी है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगा, 1 लिखेंगे उसके बाद 5 जीरो लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अंकों की क्या होगी है? हमारी छोटी संख्या, एक के बाद जितने भी हमसे संख्या पूछता जितने भी अंकों की उससे एक कम जीरो लगा देते हैं एक के बाद, तो हमारी उतनी संख्या की क्या आ जाती है, 6 अंकों की क्या आ जाएगी हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो ये 6 अंकों की क्या हमारे पास सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब हमसे पूछा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग विधि से क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, मैंने 1000 एज इट इज लिखा, सॉरी इकाई धाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1 लाख। ठीक है, 1 लाख मैंने एज इट इज लिखा, फिर क्या करें, मैंने पेयर बनाने की कोशिश करी दो दो की। ठीक है, दो दो के पेयर बन गए। सबसे पहले मैं पेयर को डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, ये कितने से जाएगा, 3 से, तो कितनी बार जाएगा, देखो 3 3 9 9 आ गया। ठीक है, कितना आएगा रिमाइंडर, 1। अगला पेयर उतारेंगे 2 0। ठीक है, कितना यहाँ कितना आएगा, 9। कितनी बार जाएगा ये, फिर 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 बार जाएगा तो कितना आएगा, 91 आएगा, कितना आएगा, 9, फिर आएगा 9। ठीक है, फिर 00 उतार लेंगे हम, कितना जाएगा ये, 92 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा ये, देखो फिर कितनी बार जाएगा ये, फिर ये जाएगा आपका 1 बार। कितनी बार जाएगा, 1 बार हम करेंगे, 1 बार हम करेंगे तो कितना जाएगा ये हमारा आ जाएगा 921। ठीक है, 921 आ गया। देखो अब ये ज़्यादा आया और ये कम है, हमारे पास जो संख्या आई थी एक्चुअल में वो क्या आती थी, 900 आई थी, लेकिन हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद ज़्यादा आ गया, 921 आ गया। तो इसका मतलब क्या, रिमाइंडर हमें क्या बचेगा, माइनस के 21 बचेगा। ठीक है, यदि 900 से कम आता तो प्लस में हमारा रिमाइंडर बचता, लेकिन 900 से ज़्यादा आया हमारा भाग करने के बाद, तो कितना आएगा हमारा, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 21। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस संख्या को, 21 को माइनस में आया, इस संख्या को यदि मैं 1 लाख में जोड़ दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। क्योंकि देखो यदि मैं 1 लाख में से 1 को भी माइनस करूंगा, अगर 1 भी मैं माइनस करूंगा तो उसमें क्या होगा, वो 5 अंकों की संख्या बचेगी मेरे पास। ठीक है, 5 अंकों की संख्या बचेगी, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसमें जोड़ सकता हूँ, माइनस नहीं कर सकता कुछ भी। यदि माइनस करूंगा मैं तो क्या होगा, 1 अंक कम हो जाएगा, वो 5 अंकों की संख्या बचेगी केवल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगी, 1000+21। तो कितना आएगा, 1000021। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अंकों की हमारी क्या आ गई, ये सबसे छोटी संख्या आ गई आंसर। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इसको मिटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं आज के क्लास के, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी की जगह कर लीजिए बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी
बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब के हमें क्या करना है, सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें 6 अंकों की बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सॉल्यूशन लिख लीजिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, 999999। ठीक है, क्योंकि 9 हमारे पास जो होता है सबसे बड़ा अंक होता है, उतनी बार जितने भी अंकों के हमसे पूछता है उतनी बार हम क्या करते हैं उस नंबर को लिख देते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या आ जाती है उतने ही अंक की। ठीक है, तो हमसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी तो मैंने 6 बार क्या लिखा, 99 लिख दिया। अब हमसे पूछा कि ये तो सबसे बड़ी संख्या है लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमसे पूछा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले हम भाग विधि से इसका क्या करने की कोशिश करेंगे, वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं, तो मैंने इस संख्या को एज इट इज लिखा 999999। ठीक है, फिर मैंने इसके पेयर बनाने की कोशिश करी, 1 2 3 पेयर बन गए मेरे पास। पहले पेयर को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो किससे कर सकता हूँ, अगर देखो 10 से करूंगा तो 10 100 होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा 99 से, तो मैं 9 से कर सकता हूँ। ठीक है, तो 9 से करूंगा डिवाइड, 9 में कितना होता है 81, कितना जाएगा 8। ठीक है, 8 नहीं आएगा, सॉरी कितना आएगा, देखो यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 1, 18 आएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 18 आएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पेयर उतारेंगे हम 99। ठीक, अब देखो कितने से कर सकते हैं हम, अगर हम करें इससे 9 से डिवाइड, फिर 9 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो कितना जाएगा, देखो करके देखते हैं, 9 से 9 81 का 1 कैरी कितना आएगा 8, 8 9 72, 72 और 1 कितना होगा 80 का 0 हासिल लगा 8, 9 1 9 और 8 17। ठीक है, तो चला गया आसानी से। ठीक है, माइनस करके देखो कितने कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ कितना आएगा 1। ठीक है, 198। ठीक है, 198 आ गया ये माइनस करने के बाद, 10 बार जा सकता था ये लेकिन मैंने क्या करा 9 बार ही करा इसको। उसके बाद हमने क्या करा 99 फिर उतार लिया, 99 फिर उतारा तो कितनी बार जाएगा, देखो ये 9 9 18 9, ये कितनी बार जाएगा 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 98 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा देखो, फिर 9 बार चला जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा, 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 8 9 72, 80 का 0 हासिल लगा 8, 8 9 9 9 81 और 8 89 का 9 हासिल कितना लगा हमारा, कितना लगा 8, 9 1 9 और 9 और 8 कितना होगा 17। ठीक है, माइनस करो कितना आएगा, देखो माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से कैरी लेंगे कितना आएगा 18, 18 में से 9 आएगा, फिर यहाँ से कैरी लेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इतना कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। ठीक है, ये कितना आ गया 1998 हमारा आ गया। ठीक है, 1998 आ गया हमारा, तो ये क्या हमारा 1998 क्या हमारा, हमारा एक पॉजिटिव रिमाइंडर आया हमारे पास। क्या आया, ये पॉजिटिव रिमाइंडर आया। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को अगर हम माइनस कर दें इसमें से, इस नंबर को इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं, देखो 999999 माइनस 1998। ठीक है, 1998 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 1008। ठीक है, 99 ये हमारे पास संख्या आ गई। ये जो संख्या आई हमारे पास, ये एक संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास आ गई। इसलिए 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा 998001। ठीक है,
आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं आज की क्लास के। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 0.9 का दशमलव के दो स्थान तक निकटतम मान बताइए। 0.9 का दशमलव के दो स्थान तक मान बताना हमें, तो हम क्या करेंगे? देखो दो स्थान तक हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2+1 कितना आएगा हमारा 3। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो 3 आया है हमारा, दो स्थान तक हमसे पूछा था, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद हम 3 जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, देखो 0.9 मैंने एज इज लिखा, 10 बढ़ाया तो 1 पेयर बन जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने 20 बढ़ाए, 1 पेयर बनेगा, फिर 20 बढ़ाए, 1 पेयर बनेगा। दो स्थान तक पूछा था, मैंने क्या करे, 50 बढ़ा लिए 9 के आगे, तो हमारे पॉइंट के बाद कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। इस तरीके से हमें पेयर बनाने हैं। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना हमें, जैसे हम करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, देखो पॉइंट की जगह पॉइंट लगाऊंगा, 90 है, 90 को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो किससे डिवाइड करूंगा, 9 से डिवाइड करूंगा, तो 9 से कितनी बार जाएगा, 9 बार ही जाएगा, कितनी बार, 9 बार, 99 जा 81, ठीक है, 81 आ गया। तो कितना जाएगा ये, यहाँ से 9 आएगा माइनस करके, उसके बाद नेक्स्ट पेयर उतारूंगा 0, 0, ठीक है, 900 जाएगा, इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 18, ठीक है। फिर कितने से डिवाइड करें हम इसको, हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखो 4, 4 जा 16 का 6 हासिल लगा, 1 और चुक 32 और 33 का 3 हासिल लगा, कितना 3, 4 एक ना 4 और 3 7, ठीक है, कितना आ गया 736। 736 को हम 900 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 164 हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर क्या हमारा 0, 0, ये कितना आएगा, 4, 4, 8, 8, 1। अब कितनी बार जाएगा ये, अब जाएगा हमारा 8 बार, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। देखो 8 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 8, 8 जा 64, 8, 8 जा 64 होता हमारा 4 आएगा, कैरी कितना आएगा 6, 8, 8 64 और 6, 70 का 0 हाँ से कितना आएगा 7, 8, 8 64 और 7 कितना होगा हमारा, 64 और 7 कितना होगा 71, हाँ से लग गया कितना 7, 8, 8 और 7, 15, ठीक है, ये आएगा हमारा। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 1, 12, 96 हमारा क्या बचेगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा, ठीक। तो हमारा इसका जो दशमलव के तीन स्थानक तो मान आया वो कितना आया है, 0.9 बराबर कितना आया है, 0.948, ठीक है, ये दशमलव के तीन स्थानों तक आया है, जबकि हमसे पूछा है दशमलव के दो स्थान तक निकटतम मान। निकटतम का मान का मतलब है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो स्थान तक हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, 0.9 एज इट इज लिखेंगे, दूसरा जो नंबर लिखेंगे हम उस थर्ड नंबर उससे आगे वाले नंबर को देखेंगे क्या है। अगर ये नंबर हमारा 5 से छोटा होगा तो इससे पिछला नंबर हमारा एज इट इज आएगा, जैसे 4 है तो 4 एज इट इज आ जाता अगर ये 5 से छोटा होता। अगर ये 8 हमारा 5 से छोटा होता तो क्या होता, ये 4 एज इट इज आ जाता, लेकिन ये 5 या 5 से बड़ा होगा तब हम इससे पिछले वाले नंबर में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, आपने नर्सरी क्लास में पढ़ा होगा या उससे बड़ी क्लास में फर्स्ट सेकंड में पढ़ा होगा कि कैसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी 0.9 की दशमलव के दो स्थान तक वो कितनी होगी, 0.95, ठीक है आंसर, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की, इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देता हूं, इसकी जगह कीजिए आप 0.9 की जगह कीजिए आप √2। √2 का दशमलव के कितने स्थान तक, दो स्थान की जगह कीजिए आप 3 स्थान, ठीक है, 3 स्थान तक निकटतम मान ज्ञात कीजिए। इसको मिटा देता हूं, निकटतम स्थान तक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो अब 3 स्थान तक हमसे पूछा है, 3 स्थान तक हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, 3+1 कितना आएगा 4। इसका मतलब क्या है कि हम पॉइंट के बाद
कितने पेयर बनाने की कोशिश करेंगे? चार पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने रूट टू की वैल्यू निकालनी थी तो टू हम एज इज लिखेंगे, टू के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब इसके बाद हमें कितने पेयर बनाने हैं? चार। तो चार पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे हम? आठ जीरो लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। एक पेयर बना, एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर, ठीक है। इसको एज इज रखेंगे अलग। अब इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए अगर हम एक से डिवाइड करें इसको, तो एक एक यहाँ आएगा, कितनी बार जाएगा? एक, तो एक आ जाएगा हमारा, ठीक। अब पॉइंट आएगा तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे हम। नेक्स्ट पेयर क्या हमारा? जीरो 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 उतारेंगे, कितना आएगा? दो। अब कितनी बार जाएगा ये? अब चार बार जाएगा, ठीक है। तो चार से हम फिर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। चार चौक सोलह का छः, हाँ से लगा एक, चार दो ग्यारह आठ नौ, कितना हो गया? छियानवे, ठीक है। छियानवे हो गया, सौ को सौ में से हम छियानवे को माइनस करेंगे, कितना आएगा? चार। कितना आएगा हमारा? चार आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पेयर उतारेंगे हम, जीरो जीरो, ठीक है। ये कितना आएगा हमारा? अट्ठाईस आएगा। यहाँ से कितनी बार जाएगा? फिर ये वन बार जाएगा, अब क्योंकि दो बार करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा चार सौ से, इसलिए वन बार जाएगा। तो वन बार जाएगा तो हम क्या करेंगे? वन से इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। वन वन जब वन, कितना आएगा ये? दो से इक्यासी ही आ जाएगा, ठीक है। दो से इक्यासी को माइनस करेंगे हम इसमें से, कितना आएगा? देखो यहाँ से नाइन आएगा, यहाँ से वन आएगा, और यहाँ से कितना आएगा आपका? वन आएगा, एक सौ उन्नीस आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगला पेयर उतारेंगे, ठीक है। कितना हो गया ये? वन वन नाइन जीरो जीरो, ये कितना हो जाएगा? टू एट टू। फिर कितनी बार जाएगा ये? फिर जाएगा ये आपका फोर बार। फिर फोर टाइम्स जाएगा तो फोर फोर की मल्टीप्लाई करेंगे, चार चौक सोलह का छः, हासिल लगा कितना? एक, चार दूनी आठ और एक नौ, ठीक है। आठ चौक बत्तीस का दो तीन, ठीक है। चार दूनी आठ तीन ग्यारह, ये आ गया हमारा। माइनस करो, कितना आएगा? चार, यहाँ से कितना आएगा? जीरो, यहाँ से कितना आएगा? छः, ठीक है। छः सौ चार आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे उतार लेंगे, नेक्स्ट पे कितना हमारा? जीरो जीरो, यहाँ से कितना आएगा? आठ दो आठ दो, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा देखो? अब ये दो बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये? दो बार जाएगा। तो दो बार हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे इसको। देखो चार आएगा, दो दूनी चार, आठ दूनी सोलह का छः, हासिल लगा एक, दो दूनी चार एक पाँच, ठीक है। कितना आएगा? आठ दूनी सोलह का छः, हासिल लगा एक, दो दूनी चार एक पाँच, ठीक है। छप्पन छप्पन चार आ गया हमारा। माइनस करेंगे हम, देखो कितना आएगा यहाँ से? यहाँ से आएगा छः, यहाँ से आएगा तीन, यहाँ बचा हमारा तेरह में से पाँच गया आठ, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? नौ, नौ में से छः गया तीन, ये हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको आसानी से, ठीक है। तो हमारी जो रूट टू का दशमलव के चार स्थानों तक वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0.14142 आ गई, ठीक है। तो रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं? रूट टू को हम लिख सकते हैं 1.4142। लेकिन हमसे पूछा कितने स्थान तक है? हमसे पूछा तीन स्थान तक, ठीक है। तीन स्थान के लिए हम क्या करेंगे? चौथे स्थान की वैल्यू देखेंगे क्या है। चौथे स्थान की वैल्यू क्या? 1.41 को एज इट इज लिखेंगे। चौथे स्थान की वैल्यू क्या? दो है। मैंने बताया था यदि ये पाँच से कम है तो उससे पिछला नंबर एज इट इज आता है, लेकिन ये पाँच, ये पाँच से अधिक होगी तो उसमें एक जोड़ देंगे हम। तो ये कम है पाँच से, तो ये चार आ जाएगा एज इट इज। इसका मतलब क्या है? रूट टू की जो तीन स्थान तक निकटतम मान होगा, वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? वो 1.414 होगी, ठीक है आंसर। इस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ये क्वेश्चन नंबर नाइन था आपकी क्लास का, आज की क्लास का। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक। चलिए मिटा देता हूँ। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या है? चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन है आज की क्लास का, दस सही दो बटे तीन का दशमलव के तीन स्थान तक निकटतम मान बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हमारा? क्वेश्चन नंबर टेन है कि 10 सही 2/3 का दशमलव के तीन स्थान तक निकटतम मान बताइए।
ठीक है। दशमलव के तीन स्थान तक निकटतम मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है, हमारी मिश्रित भिन्न है, इसे हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो दस तिया कितने होते हैं 30, और 30 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32, तो कितना आएगा 32/3। ठीक है, 32/3 को हम किससे डिवाइड करेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 32 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 10.66666, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, 32/3 की वैल्यू क्या होगी, 10.66666, इस तरीके से आपको चलता रहेगा। अब हमें दशमलव के तीन स्थान तक इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मैंने इसको लिखा, क्या लिखा, 10.66666, तीन स्थान तक चाहिए, तो पॉइंट के बाद कितने पेयर बनने चाहिए, 4 पेयर बनने चाहिए, तो 1, 2, 3 पेयर बन गए 4। ठीक है, पेयर मैंने बना दिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। चलिए अब देखो, सबसे पहले पेयर को हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 9। ठीक है, कितना आया, 3 × 9 आया, कितना आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 1। ठीक, यहाँ से कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ से हम 1616 को क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है हमारा, तो पॉइंट की जगह हम पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2×2 = 4 और 2×6 = 12। ठीक है, 2×2 = 4, 2×6 = 12, 166 में से 124 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से कितना आएगा 4, 42 आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 6, 6, ये कितना आएगा, 6, 4 आएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे इस नंबर को, किस नंबर से डिवाइड करें। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड होगा 6 से, कितने से डिवाइड होगा, 6 से, 6 से डिवाइड करेंगे, देखो कितना आएगा, 6×36 = 6 हासिल लगा 3, 6×24 = 3, 27 = 7 हासिल लगा 2, 6×36 = 2, 38 कितना हो गया, 38, 76। ठीक है, अब 38, 76 को हम डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 42, 66 में से, कितना आएगा, देखो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ से कैरी जाएगा 16 में से जाएगा 7, 9 आएगा, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 8 जाएगा 3। ठीक है, 390 आपका क्या आएगा, रिमाइंडर। उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पेयर वो उतारेंगे, कितना है 66। ठीक है, ये कितना आएगा, 6×6 = 12 हासिल लगा 1, 5, 652। ठीक है, ये कितना होगा, 652 होगा। अब कितने से डिवाइड हो सकता है, ये अब हो सकता है ये 5 से डिवाइड, कितने से डिवाइड हो सकता है, 5 से, तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, प्लस करेंगे, उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 5×5 = 25 का कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, हासिल कितना लगेगा, 2, 5×2 = 10 और 2 = 12, हासिल कितना लगेगा, 1, 5×5 = 25 और 1 कितना होगा, 26 का 6, हासिल कितना आएगा, 2, 5×6 = 30 और 2 = 32। ठीक है, माइनस करो, देखो यहाँ कितना आएगा, 1, यहाँ कितना आएगा, 4, यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा, फिर आपका यहाँ बचेगा 8, 8 में से 2 गएगा 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर हमारा 6, 6 बचा, उसके बाद यहाँ से कितना आएगा, ये देखो 5×5 = 10 का 0 हासिल लगा 1, 3, 5, 6। ठीक है, अब कितने से डिवाइड हो सकता है ये, अब ये डिवाइड होगा 9 से, कितने से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, तो 9 हम एज इट इज लिखेंगे और इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 9×81 = 1 हासिल लगा 8, 9 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो 8 एज इट इज आ जाएगा, 81 हो गया, 9×3 कितने होते हैं, 27, 27 का कितना आएगा, 7 हासिल लगे 2, ठीक है, हासिल लगे 2, 9×5 = 45 और 2 = 47 का 7 हासिल लगे 4, 9×54 = 4 कितने होंगे आपके, 58। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, दशमलव के चार स्थान तक इसकी वैल्यू आ गई हमारी, किसकी, 10 सही 2/3 की। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10.666666 को क्या हम क्या लिख सकते हैं, 3.2659 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3.269 लिख सकते हैं, जबकि हमसे बोला है तीन स्थान तक, तीन स्थान के लिए हम क्या करेंगे, तीन स्थान की वैल्यू के लिए 3.26। अब 5 को हमें देखना है कि क्या लिखेंगे, या 5 ही रहने देंगे या ये 6 लिखेंगे इसको। तो अगला नंबर क्या है, 9 है, मैंने बताया था यदि ये नंबर 5 से छोटा होता तो हम इससे पिछले नंबर को एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन ये 5 से बड़ा है, 5 है या 5 से बड़ा है, तो हम 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 5 से बड़ा है तो इसमें ऐड करेंगे 1, कितना हो जाएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे 6। ठीक है,
तो 10^2 की दशमलव के 3 स्थान तक जो निकटतम मान होगा वो कितना होगा आपका 3.266, कितना होगा 3.266 आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम पे विश्वास बनाए रखिए, हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आपकी ये 3 यूनिट खत्म हो गई हैं आज। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम आपको 4th यूनिट चालू कराएंगे, 4th यूनिट। ठीक है, जिसमें हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम घनमूल निकाल सकते हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं घनमूल निकालने की। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।